तो दोस्तों, क्या आप लोग स्पाइडर फाइटिंग क्राइम हीरो गेम को डाउनलोड करके प्ले करना चाह रहे हो? तो गाइस, आप लोग ना बेस्ट वीडियो को देख रहे हो। गाइस, अगर आप लोग को स्पाइडरमैन के ओपन वर्ल्ड गेम खेलना अच्छा लगता है ना, तो गाइस ये कमाल का नया गेम आया है जो गाइस आज हम लोग प्ले करने वाले हैं। मतलब गाइस, आज के शानदार वीडियो के अंदर हम लोग गेम का गेम प्ले देखेंगे, मतलब हम लोग साथ में गेम को प्ले करके देखेंगे। एंड गाइस, मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे गाइस आप लोग बड़ी आसानी से ना गेम को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। मतलब मैं आपको डाउनलोड प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। अगर आपको मेरा गेम प्ले पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, यहां पर मैंने गेम का गेम प्ले के साथ वीडियो को शुरू कर लिया। एंड गाइस, आप लोग देख पा रहे हो कि भाई गेम कितना जबरदस्त लग रहा है सच में। मतलब गाइस, अगर आप लोगों ने स्पाइडर फाइटिंग 3 गेम खेला है ना, तो ये गेम बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा एंड मजा आएगा भाई गेम को प्ले करने में। तो भाई, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो सुपर हीरो है भाई अभी तरह तरह के करतब दिखा रहा है। मतलब मुझे लगता है कि इसको अभी अभी स्पाइडरमैन की पावर मिली है, यानी बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन मेरी तो सोचने की बात तो ये कि भाई इस बंदे ने मास्क क्यों पहना हुआ है भाई। तो चलो गाइस, यहाँ पर आ चुका है होल्ड दी बटन। तो यहाँ पर हम लोग होल्ड करते हैं बटन को। एंड गाइस, यहाँ पर अपने को बहुत ही बड़ी ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिल रही है। तो अभी अपने को कहाँ जाना है, तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पे आ चुका हूँ। एंड चलो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं कंट्रोल्स कैसे है। तो देखो, इससे तो हम लोग राइट मूव लेफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ तो मेरा जो स्पाइडरमैन है वो भाई स्पाइडरमैन की तरह, मतलब जो मेरा लोकल स्पाइडरमैन है वो स्पाइडरमैन की तरह से स्विंग विंग करता है। एक तो ये बहुत सही लगा मेरे को। एंड देन दूसरा अपने देरी को मिलता है ये वाला, इससे क्या होगा। अच्छा, इस वाले बटन से मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले बटन से मैं जो मतलब खंभे के ऊपर जंप मार सकता हूँ। मतलब ये भी एक तरह की स्विंग ही करते, लेकिन थोड़ी अलग टाइप की स्विंग आई है। ओके, एंड फिर जंप वाला बटन है, देखो जंप वाला बटन भी ठीक है। एंड जो मेरा ये जो बटन है, इससे मैं फाइटिंग कर सकता हूँ। तो चलो भाई, हम लोग मिशन पे जाएंगे, हम लोग मिशन को कंप्लीट करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन लेट्स सी, उससे पहले गाइस कि जो ये लोकल बंदे यहाँ पर घूम रहे हैं, इनसे हम लोग फाइटिंग ले सकते हैं। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, देखो ये रहा एक बंदे से मैं फाइट लेंगे, ट्राई करता हूँ एक बार। ये ले तो नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग गुंडे नहीं बन सकते इस गेम के अंदर, कि मतलब भाई मतलब सीन ऐसा है कि मतलब आपका मन कर रहा है कि चलो मारते हैं लोगों को, तो ऐसे नहीं मार सकते। कुछ गुंडों वुंडों को ही आप लोग मार सकते हो। तो ये भी चलो सही है भाई, अच्छी बात है। अब हम लोग देख पा रहे हैं, हमको अभी 3 मिशन दिखने को मिल रहे हैं। एक तो ये बिल्ली वाला, एंड फिर ये मुझे लगता है उड़ने वाला आई थिंक, एंड ये मुझे लगता है कि लड़ाई करने वाला है। मतलब सिर्फ 4-5 मिशन अभी है इधर। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग किसी एक मिशन पर चलते हैं सबसे पहले तो यहाँ से उड़ते हुए। चलो चलो चलो, हम चलेंगे उस वाले पे मिशन पे जो मुझे थोड़ा क्लोज लग रहा है, ये वाला। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को ना भाई वो क्या करना होगा कि जो कुछ चलो गैस नहीं करते, इधर चलते हैं वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। एंड ये अब मैं इससे मुझे इसे फाइट करनी है क्रिमिनल से आगे, एंड मुझे किससे लड़ाई करनी पड़ेगी, तो मजा आएगा। चलो ठीक है ठीक है। तो देखो गेम का साइज आपको बता दिया था मैं, हाँ चलो मजा आएगा ठीक है। तो गाइस देखो, गेम का साइज मैंने आपको बता दिया था कि स्वयं भी का था, तो अच्छी बात है, ज़्यादा गेम का साइज भी ज़्यादा नहीं है। एंड भाई यहाँ पर हम लोगों को सुपर विलन हमारा आ चुका है भाई, इधर देख रहे हो ये मोटा सा लड़का आदमी है भाई साहब, ये सबसे खतरनाक भाई, ये हमारे साथ फाइटिंग करने के लिए आ चुका है। तो भाई देखो मैं कैसे करूँ, सबसे पहले तो मुझे देखो मेरे पास टाइम भी कम है, मुझे लिमिटेड टाइम के अंदर इनको मारना है। ठीक है, तो मैंने इस वाले को तो मार दिया। अब ये चारों रह गए, लेकिन भाई जो सुपर विलन है मतलब जो इनका बॉस है, उनसे हम लोग बाद में फाइटिंग करेंगे। पहले हम लोग इसके मतलब जो इसके जो बच्चे बच्चे हैं ना, इनसे हम लोग फाइट कर लेते हैं। ओके, तो ये ले। अरे भाई मोटा आदमी को बाद में मारूंगा, रुक जाओ, ये अकेला रह गया ना। हाँ ये अकेला रह गया, तो अब हम लोग इसको मार सकते हैं। ठीक है चलो, अब हम लोग इसको मारेंगे, मजा आ जाएगा देखना। और पीछे 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 बच गया, अरे पीछे पीछे आ जा, अभी मर जाता है ये भी हरामी। तो ये ले भाई, इस मोटे आदमी के पास कोई पावर नहीं है भाई साहब, मेरा ऐसे ही आ गया, जो बेवकूफ बेवकूफ था गए, इसको पता नहीं मैं स्पाइडरमैन हूँ, ऐसे आ गया मेरे से फाइटिंग करने के लिए। तो चलो भाई ये ले भाई सब ले। तो भाई इसकी भी तुम्हारे भाई ने बैंड बजा दी। एंड ये हमारा जो था फर्स्ट मिशन वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट करने के बदले हमें को कुछ रिवॉर्ड मिल गया, कैसे रिवॉर्ड मिल गया। एंड मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस पैसों को कहाँ यूज कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ पर अपनी हेल्थ बढ़ा सकता हूँ, तो चलो यहाँ पर अपनी हेल्थ बढ़ा लेते हैं। तो अच्छा अच्छा भाई, मेरे पास यहाँ बेसिकली ये जो मेरे जो करेक्टर है इसके पास ये स्किन्स है, मतलब सूट है इधर। एक तो ये फ्लेयर वाला है, फिर अपने पास ये वाला ये लड़की वाला आ जाता है स्कारलेट, एक फिर ये वाला आ जाता है, एंड फिर ये वाला आ जाता है जो थोड़ा सा एक्चुअली में थोड़ा स्पाइडरमैन जैसा है। तुम लोग 10,000 रुपये का तो इतनी औकात नहीं है हमारी। अच्छा ऐड देख के हम लोग 5 मिनट इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐड नहीं चलाऊंगा क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। फिर तुम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस वाले को अनलॉक कर लेते हैं जो सिर्फ 1,000 रुपये का है। ठीक है, इसको अनलॉक करके मैंने इसको अनलॉक कर लिया है ना। मैं स्किन क्या चेंज, अच्छा स्किन ऑटोमेटिक चेंज हो चुकी है क्या? अच्छा स्किन चेंज हो चुकी है, पहले मेरे पास ये वाला हीरो था, अब मेरे पास ये वाला हीरो है। तो यहाँ पे मेरी स्किन भी चेंज हो चुकी है। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग और मिशन पे चलते हैं। तो हम लोग कैसे चलें, ओके
सकते हैं। अभी अपने को चार मिशन इधर और देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं अभी काम करता हूँ, मैं बस जाकर उस बिल्ली को बचाता हूँ सबसे पहले। तो मेरा पता नहीं क्यों मन सा कर रहा है उस बिल्ली को बचाने का, तुम लोग चलते जाकर उस बिल्ली को बचाते हैं। ओके, तो हट जा रहा है ये, स्टक हो गया थोड़ा सा यार, तो कोई बात नहीं को, अरे जी थोड़ा स्टक हो रहा है पता नहीं, अच्छा मैं ढंग से कंट्रोल नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है या तो। तो मेरे को जाना उस बिल्ली के पास, एंड बिल्ली भाई 350 मीटर दूर है, चलते उधर ही चलेंगे हम लोग, लेट्स गो। दीवार पे चढ़ गया है तो, अरे भाई दीवार पे कति ऊपर चला जाएगा क्या, अरे कितनी ऊंची दीवार है, अरे बहुत ऊंची दीवार है भाई, कोई इशू की बात नहीं है। तो ये ऐसा बिल्ली मुझे लगता है कि इसी ना बिल्डिंग के ऊपर फंस गई, ये लग रहा है। देखो ये जो बिल्ली, ये देखो ये बिल्ली यहाँ पर फंस गई है, यानी यहाँ से मुझे इसको बचाना है। अरे यार नीचे आ गया गलती से मैं यार, बिल्ली मेरे वेट कर रही है, मैं गलती से नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं, ऊपर आ गए हम लोग। एंड ये चल चल, अरे बस 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 बस, अरे भाई सब कूदने क्यों लग जाता है ये, हाँ ये ले ले। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ये री क्यूट सी बिल्ली, इसको मुझे बचाना है। अरे ये तो यहाँ पर तो एक लड़की भी खड़ी है यार, अच्छा अच्छा सॉरी, बेसिकली अब इसकी ना कैट लॉस हो गई है, अब मुझे ढूंढ के लानी पड़ेगी। अच्छा सर मतलब यहाँ पर मैंने बेसिकली मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए मैं आया था, एंड अब मेरे को जाना है उस बिल्ली को बचाने के लिए। चलो चलते हैं वहाँ पर, 200 मीटर हो रहा है दूरी बिल्ली, ये रही आराम से नीचे आ जा, हाँ ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना, आराम से नीचे आ जा भाई। तो चलो ऊपर चलो, अब चलते हैं यहाँ पर ऊपर हम लोग, ये ले रुक जा ऊपर चलना, हाँ तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये रही बिल्ली, कितनी क्यूट सी बिल्ली यार ये, तो इसको मैंने बचा लिया, अरे कैसे बाजी काल रही, रो मत कोई बात नहीं, तेरे मालिक को उसमें ले चलूँगा ठीक है, परेशान मत हो, बड़ी क्यूट सी बाजी काल रही है बिल्ली, अरे अरे कितनी प्यारी बिल्ली है सही में। चलते हैं इसको यहाँ पर है, देखो ये इसकी मालकिन यहीं पर होगी ना, अरे अरे गलत मुड़ गया, गलत मुड़ गया स्पाइडर ही मैन मेरे, देखो ये रहा, हाँ मुझे इसको बचाना है बिल्ली को, मतलब सॉरी बिल्ली को बचाने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ इधर। ये क्या है, ये रिवॉर्ड है, लेकिन चलो भाई क्यों खामा खा भी, रिवॉर्ड बाद में ले लेंगे हम लोग, अभी हम लोग बिल्ली को बचा लेते हैं ठीक है। तो ये मेरी बिल्ली आ गई इधर, एंड मैंने इस क्यूट सी बिल्ली को बचा लिया इधर। अच्छा यू फाउंड इट, थैंक यू वेरी मच, ठीक है कोई बात नहीं, उससे कोई इशू की बात नहीं, हमारा काम ही है ना। तो गाइस हमारा यहाँ पर सेकंड मिशन भी कम्प्लीट हो चुका है, हम यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा तो नेक्स्ट करा है मैंने, लेकिन अभी मेरे तो और मिशन भी आ रखे इधर, अभी इधर बेसिकली देखो दो मिशन और आ रहे, थोड़ी चार मिशन अभी दिखा रहा है इधर। देखो ये फिर से बिल्ली वाला आ चुका है, एंड फिर से फाइटिंग वाला आ चुका है। तो देखो ये दोनों तो हम लोग एक बार ट्राई कर चुके, कैसे अच्छे ठीक ठाक है ये, अब हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारे दो मिशन बाकी हैं उनको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ओके तो पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये वाला आई थिंक मुझे रुक जाओ यहाँ पर नीचे आते, जो ये थोड़ा क्लोज सा मिशन है ना, तो जल्द हम लोग कंप्लीट करते हैं एक बार। ओके ज़्यादा दूर नहीं है ये, ज़्यादा मतलब ठीक सा ही है, सिर्फ 40 मीटर दूरी है मतलब। तो इसका क्या करना है ये, अच्छा प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट हैपन ऑफिसर, ओ माय गॉड भाई ये कह रहा है कि मतलब इसको ना कॉल आया कि भाई यहाँ पर बॉम्ब वॉम है, मतलब यहाँ पर कहीं पर, तो मुझे बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए जाना है जल्दी से भाई साहब, कहीं फट ना जाए बॉम्ब। चलते हैं भाई यहाँ पर जंप मारते हैं हम लोग, ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, बस बॉम्ब बस यार जल्दी से बॉम्ब फट ना जाए, जल्दी चलते हैं वहाँ पर भाई, हम का फट जाएगा दिक्कत हो जाएगी अपने को ठीक है। चलो ये सिर्फ 100 मीटर दूर हो रहा है, ऊपर जाना है कि हाँ ऊपर जाना, देखो ये रहा, अरे रुक जा यार क्या कर रहा है, आराम से ऊपर चल ले, अरे फंस गया भाई, अरे फंस गया, ऊपर चल ले भाई, अरे चल चल चल, ये रहा देखो ये रहा बम, अरे आवाज़ भी आ रही है भाई, तो नीचे उतर जा मेरी जान, इसको डिफ करना है मेरे को, रुक जाओ, अरे फिर दीवार पे चल, ये दीवार पे चल रहा है, मैं कह रहा हूँ डिफ करना है बम को, दीवार पे चल रहा है ये, तो डिफ करूँगा मैं आराम से, देखो अभी, अच्छा बम कट, और गलत कर दिया यार, अभी आन दे, ये ले एक ठीक हो गया, चार बार रोक, तीन बार रोकना है ठीक है, और ये ले, अरे यार फिर गलत हो गया, बम फट जाएगा मुझे लग रहा है इसे तो यार, ये ले दो बार सही हो गया ये, अब दो बार रोकना है मेरे को ठीक है, ये ले अभी बच गया, एक बार और बस, तो ये ले भाई तेरे भाई ने ना इस सिटी को फटने से बचा लिया। तो यहाँ पर कहीं हमारे थर्ड मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे अब मेरे पास अब कितने रुपए हो गए हैं एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे पास कहीं अब टोटल मिला के हो चुके हैं 4,950 रुपये। तो मैं इस लड़की को भी अनलॉक कर सकता हूँ, चलो हम लोग इसको अनलॉक कर लेते हैं एक बार, लेट्स सी गाइस। तो भाई अब मेरे पास बेसिकली गाइस हम लोग तीन मिशन कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आई होप गाइस मेरा गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा। चलिए गाइस मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि गेम को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस गेम को डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, गाइस आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, एंड गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है
फाइटिंग क्राइम हीरो। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फाइटिंग क्राइम हीरो। एंड जैसे गाइस मैंने सर्च किया यहाँ पर फाइटिंग क्राइम हीरो, देखो गाइस जो गेम आज हम लोग प्ले कर रहे थे ना गाइस, वो वाला गेम अभी हम लोग को सर्च रिजल्ट में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गाइस ये वाला गेम अभी एक नया गेम आया है ना, तो अभी ये गेम इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, इसलिए गाइस ये वाला गेम आपको अभी सर्च में देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस आपको क्या करना है, गाइस आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है। जैसे गाइस आप लोग उसको ओपन करोगे गाइस, वहां पर आपको गेम का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। जैसे गाइस आप लोग उसको ओपन करोगे गाइस, देखो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जो भी मैंने अभी आपके सामने खोल के रखा हुआ है। तो गाइस देखो गेम का जो साइज है तकरीबन स्वयं भी होने वाला है, गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। एंड गाइस यहां पर देखो मैंने गेम को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ पर प्ले लिखा रहा है लेकिन आपका इंस्टॉल लिखाएगा। तो कुछ नहीं करना गाइस, बस आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लो एंड गाइस गेम आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस देखो भाई गेम बहुत ही बढ़िया है, देखो स्पाइडरमैन का अगर आप कोई नया गेम खेलने के लिए ढूंढ रहे हो ना, तो भाई देखो आप लोग इस वाले गेम को ट्राई कर सकते हो। गेम में आपको अच्छे से मिशन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने बिल्ली को बचाए, हम लोगों ने गुंडों के साथ फाइटिंग करी, हम लोगों ने बम डिफ्यूज किया। एंड ऐसे कैसे देखो अभी जो मिशन जिस मिशन पर भी मैं जा रहा हूँ ना, मैं देखो इस वाले मिशन में क्या करना है, इसमें मेरे को पिज्जा डिलीवर करना होगा मुझे लग रहा है। हाँ देखो इसमें कैसे मेरे को पिज्जा डिलीवर करना है। तो मतलब गेम में अच्छे अच्छे मिशन है, आप स्पाइडरमैन की तरह खेल रहे हो, यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन एंड गेम किसी भी फोन में चल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से गाइस आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरा गेम प्ले पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है, एंड साथ में गाइस गेम आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अब मेरी गाइस आपसे मुलाकात होगी अगली जबरदस्त वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।